हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल थेरेप्टिक न्यूट्रिशन। हाई कोलेस्ट्रॉल की समस्या इन दिनों सभी उम्र के लोगों में देखने को मिलती है। इस समस्या की सबसे बड़ी वजह है फिजिकल एक्टिविटी की कमी और जंक फूड का सेवन। कई बार खान पान में बदलाव की वजह से शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ने लगती है, जिसे समय रहते घटाना और गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाना बहुत जरूरी हो जाता है। अब हम जानते हैं नॉर्मल ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल कितना होना चाहिए। ब्लड में टोटल कोलेस्ट्रॉल 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होना चाहिए। एलडीएल मतलब कि बैड कोलेस्ट्रॉल 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होना चाहिए। गुड कोलेस्ट्रॉल मतलब कि एचडीएल 40 मिलीग्राम पर डेसीलीटर या इससे ज़्यादा होना चाहिए। इसके अलावा ट्राइग्लिसराइड्स का लेवल 150 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने से मुख्य रूप से हार्ट डिजीज और स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए अगर आपको सीने में दर्द महसूस हो, बेचैनी हो या दिल बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगे, तो ये कोलेस्ट्रॉल के बढ़े होने के संकेत हो सकते हैं। इसे नज़रअंदाज करना आपके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। इसलिए ऐसी स्थिति में तुरंत डॉक्टर से जांच करवाएं और अपना कोलेस्ट्रॉल मैनेज करें। घर में रखी कुछ चीज़ों का सेवन करने से आप कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में रख सकते हैं। आज की वीडियो में हम ऐसी ही चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में मदद करती है। हाई कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए अलसी के बीज बहुत फायदेमंद होते हैं। अलसी के बीजों को सुपर फूड कहा जाता है। अलसी में ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो शरीर में जमा सालों पुराने बैड कोलेस्ट्रॉल को निकाल फेंकते हैं। अलसी खाने से हार्ट अटैक का खतरा कम हो जाता है। अलसी डायबिटीज में ब्लड शुगर को भी कंट्रोल करती है। शरीर में जमा गंदा कोलेस्ट्रॉल हार्ट अटैक का सबसे बड़ा कारण होता है। अलसी के बीज खाने से सालों से जमा बैड कोलेस्ट्रॉल कम होने लगता है। ठंड में अलसी खाने से शरीर गर्म रहता है और इम्यूनिटी मजबूत होती है। अलसी के फायदे इतने हैं कि उन्हें गिनना मुश्किल हो जाएगा। इसके सेवन से बाल और त्वचा संबंधी समस्याएं भी दूर होती है। अलसी के दानों में प्रति 100 ग्राम 534 किलो कैलोरीज, 42 ग्राम फैट्स, 3.7 ग्राम सैचुरेटेड फैट्स, 29 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 27 ग्राम फाइबर्स, 18 ग्राम प्रोटीन्स और इसके अलावा पोटेशियम, विटामिन सी, कैल्शियम, आयरन, विटामिन B6 और मैग्नीशियम जैसे पोषक तत्व होते हैं। अलसी के बीज खाने से शरीर में जमा बैड कोलेस्ट्रॉल बाहर निकल जाता है। इससे नसों की ब्लॉकेज को खोलने में मदद मिलती है। अलसी का सेवन करने से ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है और इसमें पाया जाने वाला ओमेगा-3 फैटी एसिड्स हार्ट को हेल्दी बनाए रखता है। अखरोट हमारी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत फायदेमंद होता है। इसमें अल्फा लिनोलेनिक एसिड पाया जाता है जो ओमेगा-3 फैटी एसिड का ही एक रूप है। ये आर्टरीज में फैट्स के जमाव को रोकता है। इसमें पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स भी होता है जो हार्ट के लिए फायदेमंद होता है। इसके अलावा जिन्हें उच्च रक्तचाप की समस्या होती है उनके लिए भी अखरोट लाभकारी होता है। पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल जिसे कि एलडीएल कहते हैं, इसको कम करके अच्छे कोलेस्ट्रॉल एचडीएल के निर्माण में मदद करता है, जिससे हृदय संबंधी बीमारियों से बचा जा सकता है। आइए जानते हैं अखरोट में पाए जाने वाले न्यूट्रिएंट्स के बारे में। अखरोट में प्रति 100 ग्राम 654 किलो कैलोरीज, 65 ग्राम टोटल फैट्स, 6 ग्राम सैचुरेटेड फैट्स, 14 ग्राम टोटल कार्बोहाइड्रेट, 7 ग्राम फाइबर्स, 15 ग्राम प्रोटीन, 441 मिलीग्राम पोटेशियम और इसके अलावा विटामिन सी, कैल्शियम, आयरन, विटामिन B6 और मैग्नीशियम जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। फैट्स और कैलोरी से भरपूर होने के बावजूद अखरोट वजन घटाने में मदद करता है। अखरोट में प्रोटीन, फाइबर्स, हेल्दी फैट्स होते हैं। ये सभी पेट को भरा हुआ महसूस करने में मदद करते हैं। स्नैक्स के रूप में रोजाना अखरोट खाने से भूख कम हो जाती है और जंक फूड खाने से भी हम बच जाते हैं। बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए मेथी के दाने बहुत ही कारगर होते हैं। मेथी के दानों में कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो लीवर द्वारा कोलेस्ट्रॉल के अतिरिक्त उत्पादन को रोकने में मदद करते हैं। साथ ही हमारे इंटेस्टाइन से कोलेस्ट्रॉल के एब्जॉर्प्शन को भी रोकते हैं। अध्ययन में यह पाया गया है कि मेथी के बीज गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं और बैड कोलेस्ट्रॉल को धीरे धीरे कम करने में मदद करते हैं। मेथी के दानों में प्रति 100 ग्राम 333 किलो कैलोरीज, 44 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 26 ग्राम प्रोटीन, 5.8 ग्राम फैट्स, 48 ग्राम फाइबर्स, साथ ही कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस, कॉपर, मैग्नीशियम और पोटेशियम जैसे पोषक तत्व होते हैं।
मेथी के दाने लीवर में मौजूद एलडीएल रिसेप्टर्स को बढ़ाते हैं, जो खराब कोलेस्ट्रॉल को ब्लड से बाहर निकालने में मदद करते हैं। मेथी के बीज का नियमित सेवन करने से लिपिड प्रोफाइल में भी सुधार होता है, जिससे कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में मदद मिलती है। अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने के लिए फैटी फूड्स, फ्राइड फूड्स, रेड मीट, हाई कैलोरी वाले फूड्स को कम करें। खासकर से ऐसी चीज़ें जिनमें सैचुरेटेड फैट्स होते हैं, इनका सेवन कम करें। मेथी के दानों में फाइबर्स बहुत अधिक मात्रा में होते हैं। इनमें पाए जाने वाले सॉल्युबल फाइबर्स इंटेस्टाइन में कोलेस्ट्रॉल के एब्जॉर्प्शन को कम कर देते हैं, जिसकी वजह से एलडीएल कोलेस्ट्रॉल कम होने लगता है। आप इसका इस्तेमाल सब्जी में, करी में, दाल में, इसके अलावा कई पदार्थों में इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। यह न केवल स्वाद बढ़ाने का काम करता है, साथ में हमारी सेहत को भी इससे कई फायदे होते हैं। जौ का आटा और दलिया दोनों ही वजन घटाने में बहुत ही फायदेमंद है। जौ में फाइबर्स भरपूर मात्रा में होते हैं और कैलोरीज बहुत कम होती है। इसे खाने से पेट जल्दी भरता है और लंबे समय तक भूख नहीं लगती। अन्य अनाजों की तुलना में इसमें चिपचिपे घुलनशील फाइबर्स भरपूर मात्रा में होते हैं, जो कि ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने में बहुत ही कारगर है। जौ का सेवन करने से यह इंटेस्टाइन में मौजूद भोजन को चिपचिपा बना देता है, जिसकी वजह से यहाँ भोजन में मौजूद कोलेस्ट्रॉल और फैट्स को बाइंड कर लेता है और इसके एब्जॉर्प्शन की दर कम होने लगती है। इसका सेवन करने से टोटल कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल कम होने लगता है, साथ ही गुड कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ने लगता है। यहाँ हार्ट पेशेंट के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स हार्ट डिसीज में काफ़ी फायदेमंद होते हैं। यहाँ रक्त के गाढ़ेपन को कम करते हैं और ब्लड फ्लो को बेहतर बनाने का काम करते हैं, जिससे थ्रोम्बोसिस, वेरिकोज वेन और हार्ट डिसीज होने की संभावना काफ़ी कम हो जाती है। इसमें मौजूद पोटेशियम, फॉलिक एसिड, आयरन और विटामिन B6 कोलेस्ट्रॉल को कम करने के साथ हार्ट को हेल्दी बनाए रखने में मदद करते हैं। हमारा अगला फूड जो कि बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है, वो है पत्ता गोभी। वैसे तो लगभग ज़्यादातर प्रकार की हरी और पत्तेदार सब्जियों का सेवन करना हाई कोलेस्ट्रॉल के मरीजों के लिए फायदेमंद होता है, लेकिन इनमें सबसे खास है पत्ता गोभी। पत्ता गोभी का नियमित सेवन करने से आर्टरीज में जमा गंदा कोलेस्ट्रॉल धीरे धीरे कम होने लगता है। पत्ता गोभी में कई प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो आपको कई रोगों से बचाने में मदद करते हैं। यह कैलोरी में कम होती है, इसलिए यह वजन घटाने के लिए डाइटिंग करने वालों के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। इसमें विटामिन्स और मिनरल्स भरपूर मात्रा में होते हैं, जो आपके स्वास्थ्य को कई फायदे पहुंचाते हैं। पत्ता गोभी का सेवन न केवल हार्ट डिसीज को दूर करने में मदद करता है, बल्कि यह स्किन और बालों के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। इसमें कई खास तत्व होते हैं। पत्ता गोभी में फाइबर्स और फाइटोस्टेरॉल नाम के बहुत ही खास तत्व होते हैं, जो इंटेस्टाइन से कोलेस्ट्रॉल के एब्जॉर्प्शन को रोकते हैं। नियमित रूप से इसका सेवन करने से बैड कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना रुक जाता है। पत्ता गोभी में प्रति 100 ग्राम 22 किलो कैलोरीज, 0.1 ग्राम फैट्स, 5.2 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 2.2 ग्राम फाइबर्स, इसके अलावा 1 ग्राम प्रोटीन, पोटेशियम, फॉलिक एसिड, विटामिन के और विटामिन सी जैसे पोषक तत्व होते हैं। ऐसे बहुत से फूड्स हैं जो शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल को जमा होने से रोकने में मदद करते हैं, लेकिन पहले से ही आर्टरीज में जमा बैड कोलेस्ट्रॉल को निकालने के लिए गुड कोलेस्ट्रॉल यानी कि HDL की बहुत अहम भूमिका होती है। पत्ता गोभी का नियमित रूप से सेवन करने से शरीर में HDL कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ने लगती है, जो कि बैड कोलेस्ट्रॉल को निकालने में ज़्यादा फायदेमंद होता है। आप इसका उपयोग सलाद में, सूप में, सब्जी में और इसे बारीक काटकर आटे में गूंथ के चपाती में भी आप इसका यूज कर सकते हैं। अंजीर को सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है, इसलिए अधिकतर लोग अपनी डाइट में अंजीर को शामिल भी करते हैं। अंजीर में एंटीऑक्सीडेंट्स, फाइबर, जिंक, मैग्नीज, मैग्नीशियम और आयरन जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। ऐसे में अगर आप नियमित रूप से अंजीर का सेवन करेंगे तो हमेशा फिट और हेल्दी रहेंगे। अंजीर वजन घटाने में मदद करते हैं। अंजीर में कॉपर, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, पोटेशियम जैसे पोषक तत्व होते हैं। इन पोषक तत्वों की मदद से आपका मेटाबॉलिज्म बिल्कुल सही रहता है। इसके अलावा अंजीर में फाइबर्स भी भरपूर मात्रा में होते हैं, जो आपके पेट को लंबे समय तक भरा हुआ महसूस करने में मदद करते हैं। अंजीर आपकी कैलोरी की मात्रा को भी नियंत्रित रखता है, इसलिए अगर अपना वजन कम करना चाहते हैं तो अंजीर को अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें। अंजीर शरीर में ट्राइग्लिसराइड के स्तर को कम करने में मदद करते हैं, जो कि हृदय संबंधी समस्याओं का एक मुख्य कारण है। अंजीर में पाए जाने वाले फ्लेवोनॉइड्स और पोटेशियम मिलकर
उच्च रक्तचाप को कम करके उसे नॉर्मल बनाए रखने में मदद करते हैं। अब हम जानते हैं अंजीर को कैसे खाएं। एक कप पानी में अंजीर को रात भर भिगोने के लिए रख दें। सुबह उठकर खाली पेट इनका सेवन करें। आप चाहे तो इसके साथ ही सुबह खाली पेट बादाम, काजू, किशमिश और अखरोट का सेवन भी कर सकते हैं। आप चाहे तो अंजीर की स्मूदी बनाकर ओट्स के साथ मिलाकर भी खा सकते हैं। अंजीर में फिनोलिक कंपाउंड्स होते हैं जो कि खून को पतला करने का काम करते हैं। फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। आपको आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइए, और पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।